हाय एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड यू आर वाचिंग डी डिवाइस। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप अगर आपके पास एक शाओमी का फ़ोन है या फिर रेडमी या फिर मी जो जो भी है इस ब्रांड का कोई अगर फ़ोन है तो आप क्या गूगल ऐप्स को अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल कर सकते हैं? अनइंस्टॉल नहीं, डिसेबल कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन आप डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, शाओमी ऐसा करने नहीं देता है। तो कैसे होता है, चलिए मैं आपको वीडियो में सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चलाना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो थ्री लाइन्स हैं यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जाना होगा हेल्प एंड फीडबैक। इसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिस्क्राइब योर इशू, यहाँ पर लिखना है डिलीट और डिसेबल ऐप्स ऑन एंड्रॉयड। अगर आप ऐसे ही कुछ डिलीट लिखते हैं तो यहाँ पर जो सजेशन है यहाँ पर चला आता है, तो आपको डिलीट और डिसेबल ऐप्स ऑन एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है फास्ट वन, एक नंबर पर जो ऑप्शन है टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिएगा आप, देखिए जैसे कि मैं अगर मैं गूगल क्रोम की गूगल क्रोम को नहीं करने का, अगर आप गूगल डुओ को डिसेबल करना चाहते हैं, ये भी एक सिस्टम ऐप्स है ना, तो आप यहाँ पर देखिए डिसेबल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और न्यू है चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।